चमोली एसडीएम पोखरी अब्रार अहमद ने पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य हर व्यक्ति की मदद करना है। उन्होंने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर चिंता जताते हुए लोनीवी के इंजीनियरों की बैठक ली और चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सड़कों को हर हाल में ठीक ठाक रखने के निर्देश दिए। पोखरी क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली पोखरी कर्णप्रयाग सड़क है, जिस पर एडीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी गत दिन वर्षों से सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य कर रही है, लेकिन समय से पूरा होने के आसार नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क के विस्तारीकरण और पेंटिंग के कार्य में गुणवत्ता की कमी और समय से काम न होने पर कंपनी पर 35 लाख की पेनल्टी लगाई। इसके अलावा नगर पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। चमोली से नीरज कंडावी की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, संबंधित विभाग के अभियंता यहाँ आए हुए हैं, इनसे वार्ता की जा रही है और इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो सड़क को जिसमें आपने समस्याएं बताई है उसमें संबंधित ठेकेदार को पेनल्टी भी लगाई गई है और उसके द्वारा सुधारीकरण का कार्य करने के लिए भी कहा जा रहा है।